कैन अ नॉर्मल पर्सन लाइक जस्ट लेट सपोज मेरे पैसे नहीं है भाई, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज हर चीज का तुम्हें टाइम होता है, बिकॉज तुम्हारे पास ना ही टाइम है प्रॉपर, ठीक है, और ना ही बिकॉज तुम्हारी जॉब है या तुम्हारी जो स्टडी है या तुम्हारा कोई भी रूटीन है, दैट डजेंट अलाउ यू टू बी दैट मच डिसिप्लिन, ठीक है. मतलब तुम्हारा कभी उल्टा हर दिन तुम्हारी जॉब ही ऐसी है कि तुम्हें कभी कुछ और करना पड़ता है अलग अलग टाइम. व्हाट उस सिचुएशन में क्या करना भाई चाहिए, क्या वो इंसान कभी फिट नहीं हो सकता? देख, मैंने जैसे बोला कि भाई फिटनेस के लिए ना जरूरी नहीं है आप अमीर हो या गरीब हो। हाँ यार, अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उनके लिए तो अगर उनको नॉर्मल खाना भी मिल रहा है तो दैट्स अ बिग थिंग। अगर वो लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो दैट्स दैट्स हार्ड, सर्वाइवल, मतलब वो दैट्स कह सकते सर्वाइवल. हैं वो मुश्किल है भाई, मतलब इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा पर मुश्किल है। तो वही है भाई, जिसको फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करनी होती है वो मेहनत करता है। तो मतलब अगर एक बंदा जॉब जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि भाई वो रोटी ना खाए या चावल ना खाए। मतलब इट्स ऑल अबाउट क्या बोलते हैं उसे, कार्ब प्रोटीन, मतलब आपकी डेली इनटेक कैसी है। मतलब समझ लो आपने चावल लिए तो भाई खा लिया, ब्राउन राइस भी खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देख क्या होता है कि लोगों का ना ये मिथ है कि रोटी खाने से लोग फैट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर देख रोटी जो होती है ना वो हमारा जो वीट होता है ना, वीट नेचुरल वीट से बनती है, ठीक है। अब लोग सोचते हैं कि रोटी का फैट बढ़ता है। जब मैं लीन कर रहा था मैंने भी रोटी बहुत कम कर दी थी, पर मैं खाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको जो वेजिटेबल्स आपके घर पे आ रही है आप उन वेजिटेबल्स को बॉईल वगैरह करके खाओ। हाँ, अगर भिंडी वगैरह आ रही है तो भिंडी तो भाई बॉईल करके तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई। अगर भिंडी आ रही है तो इग्नोर दैट अपने, आप क्या कर सकते हो, सबसे चीपेस्ट वे है आपका प्रोटीन। प्रोटीन तो लगा लो आप एग से ले सकते हो, एग हो गया, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए। चल ड्राई फ्रूट भी महंगे आते हैं, उनको भी छोड़ दो आप। फिर अब ये आपके आगे क्या कहते हैं, सोयाबीन, अबे सोयाबीन अगर बहुत मुझे सस्ते होते सप्लीमेंट हैं चाहिए नहीं, मुझे इसमें। अच्छा चल अगर मैं एक चीज बोलूं कि मुझे विदाउट सप्लीमेंट बनानी है तो क्या विदाउट सप्लीमेंट पॉसिबल है? लाइक नो वे. मैं तो कह रहा हूँ हाँ नहीं पर विदाउट वैसे भी. सप्लीमेंट ही तो कह रहा हूँ, मैंने सप्लीमेंट ऐड ही नहीं करा क्योंकि मैं सप्लीमेंट एंडोर्स ही नहीं करता। तो तू मतलब जो तेरी बॉडी बनी थी मैं वो सिर्फ, भी. बोल बोल बोल. हाँ क्योंकि भाई मैंने जब वर्कआउट शुरू करा था ना, जब मैं 10th क्लास में था, जब हाँ मेरे बोर्ड खत्म हुए थे 10th के, शुरू हाँ करा था मैंने, ठीक है। और तब भाई मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को तो लग रहा था प्रोटीन एक ड्रग है। मतलब वो कहते हैं हाँ ना, जब तक आपको ये था नॉलेज नहीं किसी चीज के बारे स्कूल में होता है. में होता है, तो बोलते थे पाउडर मत खाओ, ये मत खाओ। जब पता चला कि भाई वो प्रोटीन होता है एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन, तो देन यू रियलाइज कि टू आर डिफरेंट थिंग्स। और जो अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स वगैरह ऐड करता है, प्रोटीन हो गया और लगा ले क्रेटीन हो गया एंड देन अमीनो एसिड हो गया, कुछ भी BCAA या तो कोई भी ऐसा CLA कोई भी सप्लीमेंट ऐड करता है, तो मतलब भाई वो नेचुरल सप्लीमेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कहीं भी ऐसे साइंस की रिपोर्ट नहीं बताती है कि इट्स हार्मफुल फॉर यू और उससे किसी को कुछ इफेक्ट हुआ है, ऐसा कुछ है साइड इफेक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता उससे भाई। नेचुरल होता है, ऑल नेचुरल होता है, बट डिपेंड, क्योंकि इंडिया में भी सप्लीमेंट की बहुत सारी फेक, मतलब बहुत फेक सप्लीमेंट देके जाते हैं, अभी बट वही है, पर फिर आपको ट्रस्टेड कंपनी पड़ता है। मेरे को समझ नहीं आता कि भाई जैसे अपने भी स्कूल में काफी लौंडे थे जो कि मतलब ऐसे होते हैं, जैसे तू जानता है यार काफी सारे थे कि मतलब समर वेकेशन में जाएंगे, समर वेकेशन होने से पहले जाएंगे क्योंकि नॉर्मल बॉडी होती है, ठीक है. मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अपने भी स्कूल में कोई हाँ था पता नहीं कौन था, नाम याद नहीं आ रहा. एनीवे तो उनकी नॉर्मल बॉडी होती है, पतले से होते हैं. फिर जब वो समर वेकेशन के बाद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आते हैं भाई, वो अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रखी होती है, बट उनकी बॉडी अजीब सी हो जाती है, फैल सी जाती है जब हम टीनेजर होते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि तुम एक्सरसाइज से तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारी इतनी फैलेगी या फिर कुछ होगी, तो दे मस्ट हैव डूइंग समथिंग रॉन्ग नहीं, ना. देख भाई अपना एक जो घर का खाना होता है ना भाई, इंडियन इंडियन लाइफस्टाइल में जो घर का खाना होता है ना वो, उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जब सब्जी बनाते हैं, तलते हैं सब्जी को, ठीक है, उसमें तड़का लगाते हैं, तो तड़का जब लगाते हैं ना भाई, सब्जी में कुछ भी नहीं बचता। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई सब्जी, ये सब्जी खाया करो, ओ वैसी समझ सब्जी गया. खाया करो, जैसे अपने इंडियन लाइफस्टाइल में सब्जी बनती है ना भाई, उसमें कोई भी सब्जी बना ले भाई, जो तड़का लगा के, तड़का जहां लग गया सब्जी में उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म है, ठीक है। अब वो बन गया सिर्फ काब, सिर्फ काब, उसमें कुछ नहीं है भाई। और फिर उसके साथ आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, रोटी और सब्जी दोनों काब बॉडी के अंदर, ठीक है।
कार्ब चले गए, अब आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं गया, ठीक है। अब भाई जो प्रोटीन नहीं गया आपकी बॉडी में, वो कार्ब आपका मसल बढ़ा देगा, बट जो एक्स्ट्रा कार्ब होगा ना, वो आपकी बॉडी में फैट ले आएगा, ठीक है, और उससे फिर बंदा फैल जाएगा। तो ये होता है। अब आप दाल चावल खा रहे हैं, देख दाल तू खा रहा है, दाल में थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा, बाकी दाल में भी तड़का लगा के दाल को बनाते हैं, ठीक है। अगर दाल तू बिना तड़का लगाए बॉइल करके खाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं खाता था ना। अब राइस है, राइस भी कार्ब, ठीक है, फिर तड़का लगा के थोड़ा उसमें भी कार्ब आ गया और थोड़ा सा प्रोटीन आ गया। तो दाल चावल में भी ऐसा ही होता है भाई, मतलब लगा ले मोस्ट ऑफ द इंडियन फूड चिकन को छोड़कर और अंडे को छोड़कर फैट सब में होता है,